जगतियां दी आखरी नेमत रब दी रज़ा है। जदों सहाबा दी वारी आई रब दुनिया च कह रहे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन, अबू बकर मैं तेरे ते राज़ी हां, उमर मैं तेरे ते राज़ी हां, उस्मान हैदर मैं तुहाडे ते राज़ी हां, बदर वालियो उहद वालियो मैं तुहाडे ते राज़ी हां। सियाल कोठी जो पता ये चलता है जिथे जगतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है उथो नबी दे सहाबा दी अज़मत दी इब्तिदा हुंदी है। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سامعین محترم फजर की अजान होने अंदर दस मिनट बाकी ने जमात के जईद उलमा और खुताबा ने अपने अपने खिताबात का इजहार किया। शाने सहाबा अजमत सहाबा अजमत अहले बैत के हवाले न बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी। मैं सिर्फ पांच दस मिनट के अंदर एक दो गल्लां करना चाहना और मुबारकबाद पेश करना चाहना अपने दीराना भाई और दोस्त हजरत हाफिज फैसल अफजल शेख साहब हाफिज़ाउल्लाह और उन्होंने पूरी बाडी को जिहड़े सालाना अजमत सहाबा अहले बैत के हवाले न कॉन्फ्रेंस कराई जाती और बड़ी कसीर तादाद के अंदर जईद खुताबा और उलामा तशरीफ ले आउंदे। रात छेती मुक जाती है खुताबा पिछे रहिंदे ने, ये दो दिन की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इन्हें खुताबा बुला ताकि सारे नूं टाइम खुला मिले। तो बहरहाल मगरब के टाइम शुरू फजर होने वाली, तो बहरहाल मैं मजमून जिहड़ा सोच के आया सा और जिहड़ा बयान करना चाहना सा कि दीन के अंदर इबादात के अंदर नमाजा के अंदर दीन के मामलात के अंदर साढ़े इमाम नबी दे सहाबा ने, साढ़े इमाम कौन ने उठी बोलो, नबी दे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाई। एक गल मैं तुम्हें दस दया कि सहाबी जिहड़ा ना मां के पेट के अंदर भी मकफूर होंदा है। साड़ी जमात के मुहक्कक आलमदीन हजरत मौलाना इरशादुल कसरी हाफिज़ाउल्लाह ने किताब लिखी है मशाज राते सहाबा, उसके अंदर उन्होंने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार होए बेहोश होए तो होश आया तो कहते ने अल्लाहु अकबर, फिर बेहोश हो गए फिर होश आया कहते ने अल्लाहु अकबर, फिर तीसरी दफा बेहोश तो बाद होश आया। घर वाले आते हैं जो होश आता है तो अल्लाह अकबर की गल हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आते हैं दो बंदे आए दो फरिश्ते आए मैं फड़ के ना दो बंदे ते ले जा रहे हैं। रस्ते चो एक बंदा पूछता भी अब्दुल रहमान बिन औफ नूं किधर ले जा रहे हैं, यह जी इन्हों का हिसाब होना अल्लाह की अदालत पेश करने वास्ते ले जा रहे हैं। वो बंदा कहने वाला कहता है तुहानू नहीं पता अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा के अंदर शामिल ने और अब्दुल रहमान बिन औफ नबी के सहाबी ने, ते सहाबी मां के पेट के अंदर ही मकफूर लाउन होता है, मां के पेट के अंदर ही बख्शिया होता है। तो सहाबा भी वह पाकबाज हस्तियां ने जिन्होंने बारे सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा एक दसवां नंबर है। कहते ने उमरे नू की इबादत आका कोई हदीस सुनी कि उमरे नू की इबादत एक पलड़े च ते मेरे सहाबी का खड़े खड़े मेरे चेहरे से देखना एक पलड़े च। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने तुहाडी पूरी जिंदगी की इबादत एक पलड़े च और सहाबी का थोड़ी देर वास्ते नबी की माइयत च बैठना एक पलड़े च। आका फरमाते ने उह भार के बराबर तुहाडा सोना खर्च करना एक पलड़े च और मेरे सहाबी का एक मुठ जऊ अल्लाह दे राज देना एक पलड़े च। तो सहाबा की अजमत और शान जरा गौर कीजिए। आपने फरमाया तू बाली मर रहा नहीं
ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਆਲਚ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਵਾ ਔਰਾ ਮਰਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਦੀਸ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ 7 ਦਫ਼ਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੱਤ ਦਫ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਦਫ਼ਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ बगैर वेखन तो आका नु मने है। और नबी अलैहि सलातु वसलाम दे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिन्हां दे ईमान नु अल्लाह ने मियार बना दिता है जेड़े बेईमान है लोग कहंदे ने कि माशाल्लाह वो बदल गए माशाल्लाह मुर्तद हो गया ला याद मिला उन्हां दी अपनी गलती है और बहुत बड़ा झूठ है। कुरान ने कहा उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान असीं उन्हां दे दिलां ते ईमान नु मुरक्कश कर दिता है। फरमाया हिज अला हिन्न हिजबल्ला उलाइका हिजबुल्ला ये मेरी जमात है अला इन्न हिजबल्ला हुमुल मुफ्लिहून दुनिया के लोगों खबरदार खबरदार अला खबरदार खबे ते लिखिया हुंदा ना खबरदार इन्ने हजार वोल्ट बिजली गुजर रही है खबरदार इहदे नेड़े ना आए अल्लाह भी आंदे ने अला खबरदार बेशक ये मेरी जमात ने हुमुल मुफ्लिहून सारे कामयाब ने कामरान ने। और कुरान ने कहा है फाइन आमनु बिमिस्लिमा ईमान उवे लियाओ यानी अकीदा हो जेड़ा 144,000 सहाबियां दा कुरान ने एक और मुकाम सुनिए अल्लाह फरमांदे ने वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लजीन तबऊहुम बिइहसान رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم چار طبقے میں کر میرے والدے کو والسابقون الاولون پہلے वस्वल मुहाजरीन दूजे जेड़े मक्के चो हिजरत करके मदीने आए वल अंसार चौथे तीसरा तबका जिन्ना मुहाजरीन नु जगा दीती ते चौथा तबका ओए वल्लजीन तबऊहुम बिइहसानिन जेड़ा जिन्ना ने इना तिना दी इत्तेबा कीती। आज ये तरह गौर कीजिए इना चार तबकियां दा जिक्र करन तो बाद अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अनहुम व रसू अन मैं इना ते राजी के मेरे ते राजी। सही बुखारी दी हदीस सुन लो क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक कहणगे जल्दी आओ किसे चीज दी जरूरत है जे अल्लाह कोई नहीं गुमान करने और सामने आ जांदी ओ चीज गुमान करने और उस तो या परिंदा चाहिदा है मैसरा थाली च पैर के सामने आउंदा है परिंदे च आवाज आउंदी है तू खांदा क्यों नहीं जल्दी आ अल्लाह 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 जेड़ा गुमान करने अल्लाह कोई थोड़ नहीं। अल्लाह कहते ने दो चीजा ऐसा ने जेडिया इसको कबल मैं किसी नबी नु नहीं दीदिया पहली गल जनती हो अज मैं रब थानू अपना दीदार करावांगा अल्लाह सानू सारे नु अपना दीदार करवाई उची कह दो आमीन। अल्लाह आउणगे दूर दे परदे चुकणगे जल्दी अपने रब नु इवें वेखणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न वेखीदा है अल्लाह 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 ते आखरी नेमत कहड़ी है फरमाया जल्दी हो मैं तुहाडे ते राजी हो गया। कुरान की कहिंदा है रज़ी अल्लाहु अनहुम व रज़ुअन सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह आंदे ने मैं तुहाडे ते राजी हो गया अज तो बाद मैं नाराज नहीं होवांगा पता है चलदा जल्दियां दी आखरी नेमत रब दी रज़ा है जगतियां दी आखरी नेमत रब दी रज़ा है। जदों सहाबा दी वारी आई रब दुनिया च कह रहे ने रज़ी अल्लाहु अनहुम व रज़ुअन अबू बकर मैं तेरे ते राजी हां उमर मैं तेरे ते राजी हां उस्मान हैदर मैं तुहाडे ते राजी हां बदर वाले उहद वाले मैं तुहाडे ते राजी हां सियाल कोठी जो पता ए चलदा है जिथे जगतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है ओथो नबी दे सहाबा दी अज़मत दी इब्तिदा ਦੀਏ ਐ ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਚਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨੇ 144,000 ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਲਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਲਬ ਨਹੀਂ
हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी चुप मेरिया अखा का सुरमा है, मैं ते इमामा दा अदब करना एहतराम करना। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, हजरत इमाम मालिक वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने, हजरत इमाम शाफी इमाम अहमद इब्ने हंबल वाजिबुल अदब ते वाजिबुल एहतराम ने। लेकिन मेरा मसलक ते मनहज सुन ले, लेकिन वाजिबुल अदब ते वाजिबुल एहतराम सारे इमाम ने, वाजिबुल इताअत सिर्फ मुहम्मद दी जात है, ओदे तो इलावा कायनात च किसी दी इत्तबा ते इताअत नहीं हो सकती। क्यों इन्हां दी इत्तबा ते इताअत नहीं हो सकती? सारे इमाम ये सारे इमाम बोलते ने रब दी मर्जी नाल, ते मेरे नबी ये जिहड़ा अपनी मर्जी ना बोले, बात गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है। मेरे महबूब की इतिबा ते इताअत इस वजह तो करनी है, मेरा महबूब बोलता है रब दी नहीं, कोई इमाम कभी सिहाबी मुकल्लिब नहीं। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अस्सी हिजरी च पैदा हुए हैं, मेरे पैगंबर का आखिरी सिहाबी है हजरत अबू तुफैल आमिर बिन मासला रजी अल्लाह ताला 110 हिजरी के अंदर मक्के के अंदर फौत हुए ने। आका कितनी हिजरी च फौत हुए? 11 च। कितनी हिजरी च? बोलो सौगे हो, कितनी हिजरी च? आखिरी सिहाबी तो बाद 99 साल जिंदा रहा। जो आखिरी सिहाबी दुनिया को गए हजरत इमाम अबू हनीफा की उम्र 30 साल है। एक 144,000 सिहाबा के विचों कोई दुनिया का हनफी भाई साडे भाई ने, सारी लड़ाई नहीं, कोई हनफी भाई और तकलीर बाप की गल है, किसे एक मुलाकात साबित करो रब्बे किबरिया की कसमें एक सिहाबी दे बच्चे 1,00,000 रुपया मैं जाती जेब चो इनाम देता जाऊ, साबित करो तकलीर के बाद। हजरत मुआज बिन जबल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं दीन के मुकाबले कोई सिहाबी कोई वहाबी भी वो बोलो तो सही नहीं होया जी, कोई सिहाबी मुकल्लिद नहीं ते वहाबी मुकल्लिद नहीं। 144,000 सिहाबिया का जेड़ा वहाबिया का आमनू भी मुस्लिमा आमन तुम भी फकद कलू ईमान उन्हें लिया